हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या भा क्रिएटिविटी जोन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पुराने स्टील के बर्तन जिसमें जंग लग जाता है उसको हम नेचुरल तरीके से कैसे साफ करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बेकिंग सोडा। एक बाउल में हम बेकिंग सोडा लेंगे और फिर हम विनेगर लेंगे और उसमें हम विनेगर मिलाएंगे। ये डिपेंड करता है, क्वांटिटी डिपेंड करती है आपके बर्तनों पे, आपको कितने बर्तन धोने हैं या कितना बड़ा बर्तन है जिसको साफ़ करना है। और इसमें हम विनेगर मिलाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम उस बर्तन को, या मैं एक ड्रम साफ़ कर रही हूँ तो उस पे हम स्क्रॉच ब्राइट या स्टील स्क्रबर यूज़ करेंगे। और अब इस मिक्सचर को हम इस ड्रम पे लगाएंगे। इस पे काफ़ी जंग लगा हुआ है, काफ़ी दिनों से ये रखा था और पानी के छींटे पड़ने से जंग लग गया है, तो इसको आप अच्छी तरह से रब करेंगे। और आप चाहे तो इसको लगा के थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, उसके बाद आप स्टार्ट करें साफ़ करना तो वो इजी तरीके से साफ़ होगा। दूसरा, आपको किसी बर्तन में बहुत ज़्यादा जंग लगा है तो आप उसको थोड़ा सा पहले साफ़ कर लेंगे फिर ये मिक्सचर यूज़ करेंगे और थोड़ी देर में ये धीरे धीरे साफ़ हो जाएगा। और ये देखिए, ये काफ़ी साफ़ हो रहा है। और ये देखिए, आपको दिख रहा होगा जितने भी ज़्यादा बड़े बड़े स्पॉट थे वो काफ़ी कम हो गए हैं जंग वाले। और इसको हम ऐसे ही थोड़ी देर तक रब करेंगे और ये देखिए काफ़ी साफ़ हो गया है जंग हमारा। तो ये नेचुरल तरीका है बर्तनों को साफ़ करने का, जंग लगे बर्तनों को साफ़ करने का, विनेगर और बेकिंग सोडा। देखिए ये ड्रम एकदम साफ़ हो गया है। तो इस तरह से हम जंग लगे स्टील के बर्तनों को साफ़ करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।